अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स उम्मीद है सब खरीद तो हाफियत से होंगे, अल्लाह पाक सबको अपने मान में रखे। सो फ्रेंड्स आज हम खड़े हैं घोरिया ग्लेशियर पर और हमारे साथ एक दोस्त हैं जो अभी मानसेरा से नारान की तरफ आए हैं। तो उनसे पूछते हैं कि रास्ते में क्या कोई रुकावट है, कोई दुश्वारी पेश आई है यहाँ तक आप इजीली पहुँचे हैं, और इनसे पूछेंगे कि इनके आइडिया के मुताबिक कब तक ये ग्लेशियर क्लियर हो जाएगा। जी हमारे साथ उमर भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तबीयत से जनाब की ठीक है, खैरियत से उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। मैं अभी तकरीबन 10 मिनट हुए यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये ग्लेशियर जहाँ से स्टार्ट होता है घोरिया ग्लेशियर, यहाँ तक गाड़ी बाई रोड आ रही है और कारपेटेड रोड है, और इस रोड की ये सहूलत है कि इस मरतबा रोड इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। और ये इंशाल्लाह 2 से 3 दिन लगेंगे। ये जैसा आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पर मशीनें लगी हुई हैं, ये 2 से 3 दिन में ये वाला ग्लेशियर क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड से नारान जो है प्रॉपरली ये सारी वादी ये अपने टूरिस्ट के जो अपनी वेलकम करने के लिए तैयार होगी। होटल्स ओपन है, सब कुछ ओपन है, हर चीज़ प्रॉपरली रेडी है। बस ये थोड़ा सा रोड का इशू है जो प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में, और ये सारी वादी अपने गेस्ट को वेलकम करेगी इंशाल्लाह। उमर भाई आपका क्या कहना है कि आपके आइडिया से 2-3 दिन में ये ग्लेशियर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। हमारे भाई नीचे काम पे लगे हुए हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं तकरीबन 10 मिनट से इनका काम देख रहे हैं, ये जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं इस तरह लग रहा है कि तकरीबन 2 दिन तक ये रोड सारा क्लियर हो जाएगा। और तकरीबन इंशाल्लाह ये वादी 2 दिन के अंदर 2 दिन तक के बाद ये प्रॉपरली अपने गेस्टों को टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हर चीज़ जो है वो खैर वाफियत से हो जाए, और ये जो मौसम ये मौसमी तब्दीलियाँ हैं इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स आ रहे हैं अल्लाह पाक इनके सबब इन्हीं की वजह से जो है यहाँ का रोज़गार बढ़ता है। और जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है लोगों को बर्फ़ देखने में नहीं मिल रही, जिस तरह गलियात है मरी है उस साइड पे नहीं मिल रही, यहाँ पे वाफर मकदार है। आप हर साइड पे देख सकते हैं बर्फ़ के पहाड़ ही पहाड़ हैं, और जैसा कि हर चीज़ महंगाई है सब कुछ है, लेकिन इस वादी में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। मुनासिब रेट्स हैं आजकल भी, 1000 से लेकर 3000 4000 5000 रुपये तक आपको अच्छे से अच्छा रूम मिल जाता है। तो आपका क्या कहना है कि जितने भी टूरिस्ट हैं नारान की तरफ आना चाह रहे हैं वो 2-3 दिन तक आ जाएं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे से ये रोड क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं मंडे से हर बंदे को ये बाय रोड नारान तक वो इजीली पहुंच जाएगा। ओके जी उमर भाई थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी ये हमारे साथ थे उमर भाई जो अभी मानसेरा से आए हैं, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, और इनका कहना है कि ये ग्लेशियर इंशाल्लाह 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा, मंडे से नारान का रास्ता ओपन होगा तो आप नारान का टूर कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स नारान की लाइव वेदर अपडेट एंड रोड अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।